नमस्कार दोस्तों, आपको वेदांगा आईएएस में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि सीएसआईआर का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसका एग्जाम फरवरी में होने वाला है। इसी के रिगार्डिंग मैं आज आपको मैथ्स के कुछ टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। बाकी आपको जानकारी मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं एलसीएम। एलसीएम नंबर सिस्टम में हमें एलसीएम, एससीएफ, एससीएफ डिविजिबिलिटी, बिलिटी, सर्ड्स को हिंदी में करनी कहते हैं, और इंडाइसेस होता है जिसको हम लोग घातांक कहते हैं। एससीएफ को हम लोग महत्तम समापवर्तक हिंदी में बोलते हैं और एससीएम को लघुत्तम समापवर्तक बोला जाता है। डिविजिबिलिटी को बोलते हैं विभाजक या विभाजिता, ठीक है। ये सारे एलसीएम एससीएफ के काफी इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, वैसे तो कई टॉपिक है इसके अंदर, नंबर सिस्टम अपने आप में बहुत बड़ा है, बट जो आपका एग्जाम होने वाला है सीएसआईआर का, उसमें क्या है कि ज्यादा टफ सवाल नहीं आते हैं, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना है कि बहुत एसएससी लेवल मेंस तक का पेपर आता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पेपर बहुत लो लेवल का आता है, मैथ्स का बहुत आसान होता है, और उसको हम लोग कम समय में करने की कोशिश करेंगे। पहले हम बेसिक समझेंगे, फिर उसके बाद हम उसके हायर लेवल तक जाएंगे कि सवाल को कैसे कर सकते हैं विद ऑप्शंस, क्योंकि हमें टाइम बचाना है, ठीक है। हमें प्रूफ नहीं करना है कि हमें मैथ्स आता है, हमें जस्ट सिलेक्शन लेना है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें तैयारी करनी है। तो नंबर सिस्टम में जो आपका पार्ट है एससीएफ, एलसीएम, डिविजिबिलिटी, सेट एंड इंडिसेस, और नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स में मतलब कि इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आपका क्वेश्चन जो आता है वो एससीएफ और एससीएफ से आता है। एलसीएम और एससीएफ ये दोनों मेजर टॉपिक है। तो आज हम लोग जो इंट्रोडक्शन में आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है एलसीएम। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एलसीएम होता क्या है। तो एलसीएम को जो ट्रेडिशनल मेथड है, दो टाइप का मेथड होता है ट्रेडिशनल निकालने का, एक तो डिवीजन मेथड है और दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। डिवीजन मेथड में लेट्स सपोज कि कुछ नंबर दे रखे हैं आपको एलसीएम, जिसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं 4 लिख रहा हूं, 8 लिख रहा हूं और 6 लिख रहा हूं, और इन नंबरों का अगर एलसीएम निकालने को बोला जाए, तो सबसे हम बचपन में जो पढ़ते आते थे उसमें क्या होता था कि हम डिविजिबिलिटी वाला रूल लगाते थे। जैसे इनका एलसीएम निकालना है तो प्राय कुछ इस तरीके से हम करते थे, 2 से अगर इसे हम करेंगे तो 2 बार 4 बार एंड 3 टाइम्स, फिर इसे 2 से एक बार और किया जाएगा 1 टाइम्स 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स, फिर कुछ इसी तरीके से 2 बार 1 टाइम्स 1 टाइम्स 3 टाइम्स, और फिर 3 से 1 टाइम्स 1 टाइम्स एंड 3 टाइम्स, और इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करते थे। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3, और इसका एलसीएम आ गया 24। ये हो गया जो बचपन में हम सीखते थे। अगर आप भूल गए होंगे तो जस्ट रिमाइंड कराने के लिए कि एलसीएम इस तरीके से निकालते थे, पहला मेथड हो गया। दूसरा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर हम उसे प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं एलसीएम को। जैसे 8, 4 को आप प्राइम फैक्टर क्या क्या इसके होते हैं, तो प्राइम नंबर, जो प्राइम फैक्टर क्या होगा, जो प्राइम नंबर होगा, जैसे 2 × 2, तो इसकी पावर क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। जैसे 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 की पावर 3। एंड 6 को आप कैसे लिख सकते हैं, 6 को आप कैसे लिख सकते हैं, 6 को आप 2 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखें कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में होता क्या है। सबसे पहले आपको कॉमन नंबर ढूंढने हैं कि कौन कौन से नंबर कॉमन है। जैसे यहाँ 2, 2 और इसमें भी 2 शामिल है। अब 2 के सबसे हाईएस्ट पावर को देखना होता है कि किस नंबर के फैक्टर में 2 का सबसे हाईएस्ट पावर है। जैसे यहाँ 2 की पावर 4 का हमने किया तो 2 आया, यहाँ 2 की पावर 3 आया, और यहाँ 2 की पावर 1 ही है।
देखो इसकी 2 की पावर 1 है, यहाँ यहाँ 2 की पावर 3 है और यहाँ 2 की पावर 2 है, तो सबसे हाईएस्ट फैक्टर कौन है, 2 की पावर वो लिखेंगे, तो एलसीएम बराबर हमारा होगा 2 की पावर। अब 2 का काम हो चुका है, अब हम लोग आएंगे कि अगला नंबर कौन है जो सब में कॉमन है। तो देखिए यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 3 नहीं है, सिर्फ यहाँ 3 है, तो अगर ये कॉमन ना भी है तब भी इसे लिखेंगे। एलसीएम में यही होता है कि जो कॉमन ना हो उसे भी लिखा जाता है। तो और क्या 3 की पावर यहाँ मैक्सिमम कितनी है, 1 टाइम 3। 2 की पावर 3 8 होता है और 3 × 3 कितना होगी, 4। तो ये पहला मेथड हुआ, ये दूसरा मेथड हुआ जो एलसीएम निकालने का। ये क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि 24 ही इनसे डिविजिबल है, ऐसा नहीं, 48 भी तो डिविजिबल है, बट एज ए एलसीएम तो नहीं लेंगे ना हम उसे, क्योंकि वो नंबर एक बड़ा आ जाएगा। एलसीएम का मतलब क्या हो, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसलिए 24 ही हमारा एलसीएम बनेगा, जैसे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं एलसीएम मेथड करने के, लेकिन जो हम तरीका सीखने वाले हैं वो दूसरा तरीका है, उसे एग्जाम, उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उस तरीके को हम लोग देखते हैं कि दूसरा तरीका क्या है। अब हम लोग देखते हैं एलसीएम, जैसे मैंने कहा था कि 4, 6 और 8 इनका एलसीएम लिया मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब मैं इसको दूसरे तरीके से बताना चाहता हूं जिससे आपको एग्जाम पेपर निकालना है। पेपर निकालने का जो तरीका है वो आपको ट्रेडिशनल तरीका थोड़ा बहुत आना चाहिए, बट जो आपको पेपर निकालेगा यही ट्रिक्स निकालेंगी जो आपको पेपर निकालने में हेल्प करेगा। कुछ नहीं है, सबसे बड़ा नंबर कौन है इसमें, 8 है, ले लिया 8। अब 8 को देखना है कि 8 किस किस नंबर से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है बट 6 से नहीं डिविजिबल है। तो 6 में कौन कौन से नंबर शामिल है, 2 और 3। तो 2 तो ऑलरेडी इसको डिवाइड कर रहा, 3 ये डिवाइड नहीं कर रहा, तो इनटू 3, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा 20, ठीक है। तो यही मेथड को अपनाना है, जैसे मैं कहूं 12, 15 एंड 20, सबसे बड़ा नंबर कौन है इसमें, 20। अब मैं इसको लेकर डिवीजन मेथड करने जाऊंगा बहुत टाइम लग सकता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में भी टाइम लग सकता है, बट मुझे अगर टाइम बचाना है तो मैं क्या करूंगा, पहले ले लिया मैंने 20 ले लिया, 20 के अंदर क्या क्या आ सकता है, 4 और 5, ठीक है, 4 और 3 इसके अंदर है, तो 4 उसका आ चुका है। ये देखो आप, ये किन से बना है, 4 × 3 से, ये किस से बना है, 5 × 3 से। तो 20 के अंदर सिर्फ 4 आया है और 5 आया है, 3 नहीं आया है, तो 3 हम ले लेंगे और एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 60। आप बेसिक से भी करके देखना फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आपको यही आएगा कि एलसीएम आपका यही होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एलसीएम, जैसे और भी नंबर है आप उनको कर सकते हैं, ठीक है, एलसीएम निकालने में बहुत हेल्प करता है, बहुत सारी चीजें हैं। एलसीएम में एक चीज और आती है, जैसे कुछ आपको दिया रहेगा कि फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस 6 नंबर्स एंड इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय दिस नंबर देन रिमाइंडर इज 1। मतलब कुछ संख्याएं लिखी होंगी, जैसे मैं आपको बता रहा हूं 2, 6, 8 और 12। अगर इन संख्याओं से किसी एक ऐसा छोटी सी छोटी संख्या फाइंड आउट करनी है कि जब इनसे डिवाइड दिया जाए तो हमेशा शेष फल, जिसे हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं, हमेशा 1 बचे, ठीक है। तो आपको पहले, सबसे पहले सवाल को समझना है कि क्या कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि 2, 6, 8 और 12 से किसी संख्या को, सबसे छोटी संख्या ढूंढना है हमें, जब इनसे हम डिवाइड दें तो वो संख्या पूरी तरह कट जाए, ठीक है, और उसके बाद रिमाइंडर 1 दे। सबसे छोटी संख्या वैसे ढूंढनी है, मतलब रिमाइंडर का मतलब शेष फल। तो मैंने क्या कहा, एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका बड़ा नंबर ले लो। 12 किन किन नंबरों से बना है, 2 से भी डिविजिबल है, 6 से, 8 से डिविजिबल नहीं है, और 8 के अंदर क्या आता है, 8 के अंदर, 8 के अंदर क्या क्या आता है, 2 × 2 3 बार आया है, मतलब सॉरी 8 के अंदर अगर मैं 12 को देखूं तो ये 2 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है। अगर हमारे पास सिर्फ 2, 6 और 12 होता तो हम एलसीएम बोलते 12, लेकिन 8 भी साथ में आ गया, तो 8 का अगला नेक्स्ट टेबल जाएंगे कितना आता, 24। और क्या 24 8 से डिविजिबल है, हाँ, तो हमारा एलसीएम इसे 2 से मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिख लेंगे 24। क्या ये 24 इन सभी नंबरों से डिविजिबल है,
तो 2 से भी है, 6 से भी है, 8 से, और ये सबसे छोटी संख्या है, 48 भी डिविजिबल है, लेकिन वो बड़ी संख्या होगी। जब सवाल में लिखा रहता सबसे छोटी संख्या, तब आपको सबसे एलसीएम ही निकालना होता है और पहला मल्टीपल ढूंढना होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब 24 में अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो ये क्या होगा, 25। अब ये 25 वो नंबर है, जब आप 2 से 6 से 8 से और 12 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 25 आएगा। अब मैं कुछ नंबरों का आपको एलसीएम निकालने के लिए देता हूं, जैसे मैं कहूं कि 2, 3, 5, 7 इन नंबरों का एलसीएम निकालना है। तो इन नंबरों में आप क्या करेंगे, सबसे पहले कि ये नंबरों को पहचानना है आपको, ये क्या नंबर है, प्राइम नंबर है, 2, 3, 5, 7 क्या नंबर है, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर की डिफिनेशन ये होती है कि वो सिर्फ खुद से और 1 से ही डिविजिबल होता है और किसी से डिविजिबल नहीं होता। तो इन नंबरों का एलसीएम लेने के लिए क्या करना होगा, ये नंबर तो ऐसे कोई नंबर मिलेगा ही नहीं, तो इनको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो इनका एलसीएम क्या होगा, 2 × 3 × 5 × 7 जो भी हमारा रिजल्टेंट आएगा। जैसे देखो मल्टीप्लाई भी स्मार्टली आपको करना है, 5 × 2 = 10 और 3 × 7 = 21 तो क्या हो जाएगा, 210 एलसीएम हो गया। आपको ऐसा नहीं करना है कि यहां से सबको एक साथ मल्टीप्लाई, अगर कोई पेयरिंग बना रहा हो जीरो उसका फॉर्म बन रहा तो आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से करना है, क्या हो गया, 210 एलसीएम हो गया। ठीक है, तो अब प्राइम नंबरों का क्या होता है, एलसीएम आपस में ही मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि 2 को प्राइम नंबर है, ठीक है, और उनका एलसीएम को प्राइम और प्राइम, अभी आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, अभी बस हम इतना जान लेते हैं कि प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से और 1 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सवालों की तरफ आते हैं हम। ठीक है, अब देखो पहला सवाल है, पहला सवाल ये कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स इज 945, देन फाइंड देयर एलसीएम। दो सह आभाज संख्याओं का गुणनफल 945 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। सबसे पहले अर्थमेटिक के अंदर या नंबर सिस्टम हो, सबसे पहले बहुत आराम से आपको सवाल पढ़ना होता है, सवाल क्या कह रहा है ये अगर आपको समझ आ गया तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे कि निकालना क्या है, आपसे पूछा क्या है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि दो सह अभाज्य संख्या है, दो सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या कि वो दोनों 1, उनके में 1 के अलावा और कोई कॉमन नहीं है, जैसे 4 और 9 क्या है, को प्राइम नंबर। 4 और 9 क्या है, को प्राइम नंबर, जैसे 4 और 9 क्या है, को प्राइम नंबर है, इसमें 1 के अलावा और कोई नंबर कॉमन नहीं है। 4 और 9 को हम क्या बोल रहे हैं, को प्राइम नंबर। देखो 4 और 9 में कोई नंबर 1 के अलावा कॉमन है तो ये सह अभाज्य संख्या है। अगर मुझे कोई इसका एलसीएम लेने को बोले तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा और रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, 36। क्या 4 से डिविजिबल है, हाँ है, और 9 से भी डिविजिबल है। तो कोई भी को प्राइम नंबर है वो क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है अगर उसका एलसीएम पूछा जाए। तो वैसे कह रहा दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है, 945 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, मतलब एलसीएम क्या होगा। जस्ट वही कह रहा है कि दो संख्याएं को प्राइम नंबर, अगर मैं 9 और 4 ना लिखता और सिर्फ ये कहता कि दो संख्याएं जिनका एलसीएम 36 है तो वो दो संख्याओं का, इफ द, अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट ही तो होता है एलसीएम है क्या, दो सह अभाज्य संख्याओं का प्रोडक्ट, तो ये देखो 9 × 4 क्या होगा, 36 बना रहा है। तो वैसे ही अगर 945 किसी दो सह अभाज्य संख्याएं होंगी ए और बी जिनमें कॉमन कुछ नहीं होगा, अगर एलसीएम निकालना है तो क्या लेना है, दोनों का प्रोडक्ट लेना है। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि जो एलसीएम बन रहा है या प्रोडक्ट, बात एक ही तो कह रहा है, वो दो अभाज्य संख्याओं का प्रोडक्ट लू या फिर मैं उनका एलसीएम लू, एक ही काम कर रहा हूं। तो 945 अगर दो संख्याओं का एलसीएम है तो उन संख्या, ये प्रोडक्ट अगर 945 है तो एलसीएम भी क्या होगा, 945। पहला ये था। दूसरा आप देखो,
सेकंड आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द लीस्ट फाइव डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 91। वह छोटी सी पांच अंकी वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जो 91 से विभाज्य मतलब विभाजित है। तो अब आप क्या करोगे कि चार ऑप्शंस हैं, ये जो चार ऑप्शंस हैं पांच अंकों की संख्या सब जगह लिखी हुई है, ठीक है, और आपसे कुछ रहा कि व्हाट इज द लिस्ट फाइव डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 91। तो 91 से डिविजिबल है कोई भी नंबर, यहां अब देखो कह रहा है कि पांच अंक व छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जो 91 से डिविजिबल है। तो 91 से डिविजिबल होने का मतलब क्या कि 91 किन दो नंबरों का प्रोडक्ट है, 7 and 13 है कि नहीं है। तो जो संख्या 7 से और 13 से के प्रोडक्ट से बनी हुई है तो वो ऑप्शंस में भी जो नंबर 7 या 13 से डिविजिबल होगा वही हमारा आंसर होगा, है कि नहीं है। तो 91 से विभाज्य होने के लिए मैं 91 का टेबल थोड़े ना देखने जाऊंगा और सबको डिवाइड करूंगा, मुझे यह पता होना चाहिए कि 7 और 13 से डिवाइड होना चाहिए वो संख्या। 7 और 13 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि 7 से अगर किसी नंबर को आपको डिवाइड करना है, 7 से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो मान लो जैसे लिखा हुआ 343, अगर ये 7 से डिविजिबल है या 13 से डिविजिबल है तो क्या होता, शुरुआत के लेफ्ट साइड से तीन तीन का पेयर लेते हैं, जैसे मैं लिख दूं 9 9 8 6 4 2 ऐसे लिख दिया मैंने। और अगर वो मुझसे कहे कि ये 7 और 13 से डिविजिबल है या नहीं है तो मुझे चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, पूरे नंबर को 7 और 13 से डिविजिबल डिवाइड करने नहीं जाऊंगा, मैं इसकी डिविजिबिलिटी वाले रूल को फॉलो करूंगा। जैसे 6 4 2 तीन का पेयर इधर से बनाना है फिर तीन का पेयर इधर बनाना है, तो 642 को यहां माइनस करूंगा मैं और जो रिजल्ट आएगा हमारे पास उसे फिर 7 से डिवाइड दूंगा। अगर वो डिवाइड हो रहा है तो नंबर 7 से डिविजिबल है, अगर वो नहीं डिवाइड हो रहा तो नहीं डिविजिबल होगा। तो वैसे ही यहां कहा जा रहा है कि इन पांच संख्याओं में से जो 7 से डिविजिबल होगा वो ये हमारा आंसर होगा। जैसे मैं तीन डिजिट इधर से लूं, अगर 283 माइनस 10 करूंगा, तीन तीन का पेयर लेके अगर मैं करता हूं 283 या किसी एक ऑप्शन को उठाता हूं, या आप बिना पेयर लिए भी डिवाइड दे सकते हो। जैसे 7 से आप इसे डिवाइड दोगे तो कितनी बार जाएगा, 7 से डिवाइड दोगे 91, फिर से 0, 7 से डिवाइड देंगे तो 10 31 21 बनाएगा, या 13 से सीधा दे लेते हैं हम लोग, 13 से दे लेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा हमारे लिए, ठीक है। हम लोग इसे डिवाइड दे लेते हैं तो ज्यादा आसान रहेगा, जैसे 101 और 101 को 13 से डिवाइड दे रहे हैं तो 13 से 91 होगा, 101 है तो 10 बचेगा, फिर 101 बनेगा। देखो आप 101 को आप 13 से डिवाइड दे लो, 13 से दोगे तो 7 बार में 91, 101 में से 91 जाएगा तो कितना आएगा 10, फिर 101 में से 91 जाएगा तो 10 आएगा, फिर 0, और फिर 10 में से 1 जाएगा 9, और फिर 1 ऊपर से आएगा, तो ये क्या है 13 से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है तो यही आपका आंसर। ऐसे ही आपको अब देखो ये सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कह रहा है कि लार्जेस्ट फाइव डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 51। लार्जेस्ट फाइव डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 51, हमें उस सबसे पांच अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो
81 से पूर्णता विभाज्य है, ठीक है। तो अब मैं 81 से सबको डिवाइड नहीं दूंगा, 81 किन नंबरों से मिलकर बना है, 9 × 9 बना है कि नहीं बना है। अब 9 × 9 से मिलकर बना है ये, तो हमें पता है कि जो नंबर 9 से डिविजिबल होगा वही 81 से भी डिविजिबल होगा, अगर 9 से डिविजिबल हो जाएगा तो हम चेक करेंगे। तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि दुनिया का कोई भी नंबर अगर 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका सम ऑफ डिजिट भी 9 होता है। कोई भी नंबर अगर 9 से डिविजिबल भी है तो उसका सम ऑफ डिजिट 9 होता है। जैसे अगर मैं 18 लिखूं, 18 9 से डिविजिबल है, इनका सम ऑफ डिजिट क्या है 9 है। जैसे 27 9 से डिविजिबल है और सम ऑफ डिजिट क्या है 9 है। जैसे 36 9 से डिविजिबल है, सम ऑफ डिजिट क्या है 9 है। जैसे 144 9 से डिविजिबल है 16 बार में और इनका सम ऑफ डिजिट क्या है 9 है। वैसे ही जो भी नंबर जैसे 162 ये भी 9 से डिविजिबल है, क्यों 6, 2, 8 और 9 इनका सम ऑफ डिजिट 9 है। अब मैं आपको कहने जा रहा हूं, जैसे मैं लिखा 7, 8, 3 क्या ये 9 से डिविजिबल है, तो सम ऑफ डिजिट चेक करेंगे, 8, 3, 11 और 7, 18 और 18 किससे डिविजिबल है 9 से। आप देखो 7, 9, 2, 5, 4 अब मैं मुझे कोई कह दे कि 7, 9, 5, 2, 4 क्या ये 9 से डिविजिबल है, मैं कहूंगा बिल्कुल डिविजिबल है अगर इनका सम ऑफ डिजिट 9 के बराबर आ रहा है या 9 के डिविजिबल कोई नंबर आ रहा है। जैसे 1, 8 देखो 4, 5, 4, 9 7 और 2, 9 ये भी 9 कितना बन गया 27 और 2 + 7, 9 1 + 8, 9 तो दुनिया का कोई भी नंबर जो 9 से डिविजिबल है उसका सम ऑफ डिजिट क्या होगा 9 होगा। अब यहां देखो किसका सम ऑफ डिजिट 9 है, इनका हो ही नहीं सकता, ये तो 9 खुद ही है, 9 + 9, 27, 36 + s हो ही नहीं सकता। यहां देखो 4 9 है, एक सिंगल रह जाएगा, 1 पेयर बन ही नहीं सकता। इस ऑप्शन में देखो 3 ये भी 9 ये भी 9 ये भी 9 5 + 4, 9 तो यही नंबर वो है जो 81 से डिवाइड होने पे पूर्णता विभाज्य हो जाएगा। तो कुछ इसी तरीके के तरीके आपको अपनाना है कि जब हम बेसिक आपको पूरा बताएंगे अपने लेक्चर्स के अंदर कि कैसे कैसे हम बड़े बड़े सवालों को उसके ऑप्शन से हिट कर सकते हैं, हम तब आपको पता चलेगा। जैसे कुछ और भी सवाल हम देख लेते हैं, चलिए देखें ये भी सवाल बहुत अच्छा है, पूछा हुआ है फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5, 56, 60, 84 और 96। आपसे कहा जा रहा है कि सबसे इन चार ऑप्शनों में कोई एक नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है और वह इससे पूरी तरह के तरीके से डिविजिबल है। तो अगर हमें किसी नंबर का डिविजिबल नंबर लिस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना होता तो हम एलसीएम लेते हैं। अब देखिए यहां कितना बड़ा बड़ा नंबर है 56, 60, 84 और 96। अब इन नंबरों का एलसीएम लेने तो हम जाएंगे नहीं, बट आपसे पूछा क्या है, मैंने क्या बोला कि आपको लैंग्वेज में बहुत ध्यान देना होगा। आपसे पूछा क्या है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जो 56, 60, 84 और इतने से पूरी तरह विभाज्य हो और वो क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे इंग्लिश वाले में देखे, हाँ यहां देखे परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर आपसे पूछ रहा है। हाँ वो बोल रहा है फाइंड द लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब सबसे चार संख्याएं और कोई एक पहले तो परफेक्ट स्क्वायर होगी, उसके अलावा इनसे डिविजिबल भी होनी चाहिए। तो हम इतने नंबरों का एलसीएम थोड़े ना निकालने जाएंगे, फिर तो बहुत बड़ा डिजिट आ जाएगा। बट आपसे जो पूछा है अगर आपको उसका क्लू पता है तो आप इसे बहुत आसानी से निकाल सकते। जैसे आप देखें लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपसे पूछा है, तो कोई भी दुनिया में कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके लास्ट का डिजिट क्या नहीं हो सकता 2 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता,
उस नंबर के कभी लास्ट में नहीं आ सकता। अब देखो कौन सा ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में 2, 8 और 7 नहीं है। देखो यहां 6 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ये देखो 2 आ गया और 2 के साथ पेयरिंग हो गई, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। दूसरा यहां भी 2 आ चुका है और यहां भी 8 आ चुका है, तो परफेक्ट स्क्वायर बन ही नहीं सकता। सिर्फ ऑप्शन एक ये है जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। यही आपको देखना है कि हर क्वेश्चन को हम किसी क्वेश्चन को हम कैलकुलेटिव तरीके से नहीं कर रहे, हम हर सवाल को उसके ऑप्शंस में क्या हमसे पूछा गया बस हम उस पर फोकस कर रहे हैं। अब इस सवाल में जो पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग देखो हमने किया, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। 2, 8 एंड 7 ये नंबर वो है कि किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर लास्ट में आते नहीं है। जैसे आप 1 से 10 तक की संख्याओं का ले लें और किसी का परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है, जैसे 3 भी एक संख्या, ये 4 ऐसे नंबर है कि अगर किसी संख्या के लास्ट में आ रहे हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकते। जैसे आप कह रहे हो कि सर लास्ट में तो 00 है ना, तो 00 तो 800 बनाएगा ना, तो 8 बनेगा 00 से क्या मतलब, 8 आ रहा है तो मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। अब देखो इसमें कह रहा है कि द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 12, 15 एंड 20। अब इन नंबरों को से आपको 5 डिजिट का सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 5 बार 9, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 5 बाय 9, 1, 2, 3, 4, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो यही होती है। अब कहा जा रहा है कि वो 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे तो 8, 12, 15 एंड 20 से डिविजिबल। तो क्या मैं इन संख्याओं का एलसीएम लूंगा, तो बेसिक तरीका क्या कहता है कि इन संख्याओं से एलसीएम लो और इनको डिवाइड दो, और डिवाइड देते देते आप उस पॉइंट तक चले जाओ कि मान लो कि लास्ट में कुछ नंबर ऐसा बच जाए, और जैसे मान लो कि लास्ट में बच गया आपके पास 40 एक्स्ट्रा, तो इन नंबरों से घटा देंगे 40 को, और 40 को घटाकर हम बोलेंगे भाई लार्जेस्ट नंबर, या मान लो 20 बच गया तो 20 एक्स्ट्रा आ रहा है तो हम लोग उसको माइनस करेंगे और बोल देंगे जैसे ये ऑप्शन आंसर है कि 999 और 80, या फिर कोई और भी नंबर जैसे 40 बचता तो 40 माइनस करके ये ग्रेटेस्ट नंबर। बट हमें इतना नहीं करना है, हमें हर क्वेश्चन को किससे करना है, ऑप्शन से करना है। अगर वो कह रहा है कि एलसीएम जब मैं लूंगा 8, 12, 15 एंड 20 का, तो उस नंबर में 3 भी आ रहा होगा, जैसे यहां 5 है तो उसका मल्टीपल 3 और 5 भी बन रहा होगा। जो भी एलसीएम हमने लिया होगा कोई नंबर, तो उसका स्मॉलेस्ट नंबर क्या बन रहा होगा, जो भी हमने मान लो इनका एलसीएम कितना होगा, 120। अब देख लो 120, और 120 क्या 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है कि नहीं। लेकिन क्या हम लोग एलसीएम निकाल के 5 बार 9 लिख के डिवाइड देने जाएंगे, नहीं, हम लोग क्या करेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है तो अगर 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ये होना चाहिए कि सम ऑफ डिजिट जो है 3 के बराबर होना चाहिए। दुनिया का कोई भी नंबर, जैसे 9 के लिए रूल था वैसे 3 के लिए रूल है, अगर सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ, और कोई हमसे पूछे क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो सम ऑफ डिजिट चेक करेंगे, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15, क्या 15 3 से डिविजिबल है, हाँ, तो ये भी नंबर 3 से डिविजिबल। तो वैसे ही यहां कहा जा रहा सम ऑफ डिजिट चेक करो कि किसमें 3 से डिविजिबिलिटी आ रही है, सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन है। आपको सिर्फ इतनी बात पता होती तो आप सीधा टिक कर ले। तो क्या है? आपको बेसिक से पूरा इसमें बताया जाएगा कि कैसे कैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर को कैसे आपको ऑप्शंस के थ्रू टिक करना है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इसमें सीखने को मिलेगा। जैसे मैं अब एलसीएम के अंदर क्या होता है ना कि कुछ भी सवाल बन सकता आपका, ठीक है। अब जैसे हम अगला सवाल देखते हैं, कुछ बेसिक चीजें इसकी देख लेते हैं। अब जैसे एलसीएम में आपको कई बार किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, कहीं भी आप जाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि आपसे पूछा जाता है कि
फोर बेल्स लिखे, फोर चार घंटियां आपको दी हुई है, फोर बेल्स, फोर बेल्स रिंग्स, चार घंटियां बजती हैं और उनका टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है कि एक आठ सेकंड के डिफरेंस पे, दूसरा बारह सेकंड के डिफरेंस पे, तीसरा दस सेकंड के डिफरेंस पे। मान लो किसी स्कूल की बात ही कर रहा हूं मैं या किसी रेड लाइट की बात कर रहा हूं, तो क्या कहा जाता है कि चार घंटे, तीन घंटे या चार घंटे, तीन ही लिखा मैंने, एक ट्वेंटी लिख लो, ट्वेंटी लिख लो, चार घंटियां है और उनके बचने का ड्यूरेशन क्या है, एक आठ सेकंड बाद बचती है। मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है, चार घंटियां हैं आठ सेकंड के अंतराल पे, बट एक आठ सेकंड के अंतराल पे, दूसरा बारह, तीसरा दस और चौथा बीस सेकंड के अंतराल पे बजती है। अब आपसे पूछा जा रहा है, अब आपसे पूछ रहे हो कि ये बताओ कि एक साथ ये कब बजेंगे। ले सपोज कि दस बजे, दस बज के दस ए एम पे एक साथ बजी थी, ठीक है, और आपसे ड्यूरेशन पूछ रहा है कि एक साथ ये कब बजेंगे। तो मान लो जो घंटी ए है वो दस बजे अगर ये एक साथ बज चुकी है तो सबसे पहले कौन बजेगा, ए, और ए कितने देर बाद बजेगा, अगले आठ मिनट मतलब सोलह सेकंड बाद, फिर अगले सोलह सेकंड बाद, फिर अगले 16 सेकंड बाद, ये ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। वैसे 12 कितने सेकंड के बाद, अगले 24 सेकंड के बाद, फिर ये 36 सेकंड के बाद, 10 क्या करेगा, अगले 10 सेकंड के बाद, 20 सेकंड में, फिर 30 सेकंड में, फिर 40 सेकंड में जाएगा, ये 20 भी ऐसे इसी तरीके से जाएगा, 20 मैंने थोड़ा बड़ा नंबर ले लिया, छोटा नंबर ले लिया, इसे ले लो चार, चार सेकंड या पांच सेकंड ले लेते हैं, तो ये अगला कितने दस सेकंड बाद, ये पंद्रह सेकंड के बाद, फिर बीस सेकंड के बाद, ठीक है, और एक साथ कब बजेंगे उसका पता हमें कैसे चलेगा। देखो जैसे ही दस बज के सोलह मिनट होगा, दस बज के आठ मिनट पे पहली बार बजेंगी, फिर दस बज के सोलह सेकंड पे, फिर दस बज के बत्तीस, फिर दस बज के अड़तालीस, तो ये साइकिल पूरा चलता रहेगा। तो हम ऐसे कब तक कैलकुलेट करते रहेंगे कि ये नंबर कब एक जगह एक होंगे। आप इस चीज को समझे कि पहले आठ सेकंड, बारह सेकंड, दस सेकंड और पांच सेकंड कहा जा रहा है, एक्चुअल में वो आपसे क्या बोल रहा कि एलसीएम लेने के लिए बोल रहा। अगर मैं थोड़ा सा बड़ा डिजिट ले लिया मैंने, इसलिए एलसीएम पूरा आ नहीं पा रहा, अगर मैं थोड़ा छोटा डिजिट लूंगा तो आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। जैसे हम ले सपोज कि मान लो कोई चार मिनट के बाद बज रहा है, बी आठ मिनट के बाद और सी छह मिनट के बाद, तीन ही घंटियां, एक चार मिनट के बाद बजती है, एक आठ मिनट के बाद, एक बारह मिनट के बाद, दस बजे बजना शुरू करती है टेन एम पे, तो अगला कब बजेगी ये, चार मिनट के बाद, फिर अगले चार मिनट के बाद, फिर अगले चार मिनट के बाद, फिर अगले चार मिनट के बाद, तो यहाँ चार मिनट हो चुका है ये, फिर उसके बाद ये आठ मिनट हो गए, फिर ये बारह और ये सोलह मिनट, ठीक है। दूसरा कब बजेंगी, ये अगले दस बज के आठ मिनट पे, फिर दस बज के सोलह मिनट पे, ये दस बज के बारह मिनट पे, दस बज के अठारह मिनट पे और दस बज के चौबीस मिनट, ये दस बज के सोलह, फिर अगली बार दस बज के चौबीस, ये सोलह, फिर बीस, फिर इसी तरीके से ये दस बज के चौबीस मिनट, तो चौबीस मिनट के बाद दस बज के चौबीस पे ये, दस बज के चौबीस पे ये और दस बज के चौबीस पे ये, तीनों एक साथ बज रही, तो ट्वेंटी फोर है क्या, क्या फोर एट और सिक्स का एलसीएम नहीं है, ट्वेंटी फोर है क्या एलसीएम ऑफ फोर एट एंड सिक्स, फोर एट सिक्स का क्या एलसीएम है, ट्वेंटी फोर। तो जब भी अगर वो बोलेगा कि चार घंटियां एक साथ बज रही, तो उसका वजह क्या है कि जब दस बज के, ये तो अपने भले चौबीस तक आने में ये कितनी बार बज चुका उससे मतलब नहीं है, बट इनके साथ कब बजेगा वो, भले ये दो बार बज रहा दस बज के चौबीस मिनट, तीसरी बार बज रहा दस बज के चौबीस मिनट पे, बट ये उससे मतलब नहीं है कि कितनी बार बजा है, ये कितनी बार बजा है उस ड्यूरेशन के अंदर, उसका ड्यूरेशन भले अलग है बट जब तीनों एक साथ बज रही होगी वो मिनिमम टाइम क्या होगा, वो मिनिमम टाइम होगा 24 मिनट, 24 मिनट के बाद ये एक साथ बज रही होगी।
तो 24 मिनट वैसे ही। तो आपसे जब एग्जाम वगैरह में सवाल आता है कि किसी रेड लाइट पे आप खड़े हैं और चार या तीन तीन बत्तियां हैं वहां, चार बत्तियां और सबका ड्यूरेशन लिखा होगा, एक 15 सेकंड बाद बचती है, दूसरा एक 15 सेकंड के बाद जलती है, दूसरा 20 सेकंड के बाद, तीसरा 25 सेकंड के बाद, तो ऐसा कौन सा टाइम होगा कि तीनों एक साथ जलेंगी? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था, फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और इस पे रेगुलर बेसिस पे लेक्चर आते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।